Hello guys, welcome back in my V zone. And today we are going to react on funny hairstylists ever. By trigger insan. हेयर स्टाइल्स जो है काफी तरीके के होते हैं, कुछ लोग फंकी लुक को भी फनी मतलब मेंशन करते हैं। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, ओ वो 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 जो देखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन अगर मैं इस फोटो को थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आपको पता चलेगा। ओह माय गॉड, मतलब कैसे कोई अपने आप के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। मैं नाई के पास जाता हूँ और वो मेरा एक बाल इधर से उधर गलत काट दे ना, मैं गला दबा दूं उसका। और ये भाई साहब ने अपने सर के ऊपर ये क्या बनवा रखा है, ये क्या है? ये तो टट्टी है। तो कल मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी। क्या बात है, तेरे नाम है ना मांग डाली है। अब इस बंदे का ये कमाल का हेयर स्टाइल देखने के बाद मैं सोच में पड़ गया, कैसी क्या मजबूरी रही होगी कि ये भाई साहब ने ये ऐसा हेयर कट कराया, मतलब कोई हादसा हुआ इनके साथ। तो थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसी क्या मजबूरी में ये भाई साहब ने ऐसा हेयर स्टाइल कराया होगा। ये हाँ मैंने वीडियो देखी वाली, देखो क्या होगा ये बम बम। अब यही हो सकता है कि मिस्टर बीन जैसे नाई बाल काटे तो ही ऐसा रिजल्ट हो सकता है, वरना कोई स्वस्थ दिमाग वाला इंसान, कोई अच्छा खासा इंसान अपने साथ ऐसे कैसे कर सकता है। मतलब इतनी निर्दयता अपने खुद पर ही, मतलब ऐसे बाल रखे हुए हैं। Look at the top of his hair. बालों में हेलीकॉप्टर, अभी ये पंखे पे हाथ मारेगी और शक्तिमान की तरह उड़ान भर लेगी। अच्छा पीछे कुछ करके, ओ ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। बाल तो है ही नहीं। ये भाई क्या हेयर कट है, नहीं मतलब आगे आगे बाल है पीछे से, ओहो ये तो चांद है। देखो चांद आया, चांद नजर आया। क्यों भाई क्यों जाए लोग, तेरे को बाल कटवाने से पहले शर्म ना आई तो भाई लोगों को क्यों शर्म आई तेरी वीडियो बनाने में है। ओए होए 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 होए, भाई साहब की मुस्कान की चमकान, ऐसा कमाल का हेयर स्टाइल करा के स्वैग देख रहे हो तुम, मुझे अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है स्वैग हीरो ये। मैं भी सोच रहा हूं कुछ ऐसा करा दूं। नो मैन मैं करा दूं। चलो अब एक गेम खेलते हैं, दिखेगा मुझे ना। गेम सिंपल सी है, मैं तुम्हें कुछ फोटोज दिखाऊंगा, तुम्हें गेस करना है कि उस फोटो में वो कौन सा जानवर है। हाथी, एलिफेंट, हाथी। हाथी तो आसान था। अच्छा ये बताओ, हॉर्स, घोड़ा, कुत्ता, शेर। और ये क्या है, सुअर? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक सेकंड, ये सुअर लग रहा है मेरे को। हाँ, पता नहीं सुअर ही है शायद या गाय, पता नहीं, तुम बताओ कमेंट्स में तुम्हें क्या लग रहा है। एनीवेज मेन बात तो ये थी कि ये क्या है, बालों में जानवर, ये कैसे से स्टाइल है भाई, बालों में घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, अरे मतलब और कोई जानवर रह गया है। बालों में स्पाइडर, इसका मतलब ये तो स्पाइडर मैन है। यू सी द पन, क्योंकि वो एक मैन है और उसके बालों में स्पाइडर है, इसलिए बालों में छिपकली। यही रीजन है कि ऐसे लौंडे पूरी जिंदगी सिंगल रहते और फिर सोचते रहते यार हमें कभी कोई लड़की क्यों नहीं मिलती, कभी कोई यार हमसे सेट क्यों नहीं होती। अबे बालों में छिपकली, कोई लड़की इसको कैसे पसंद करेगी, मतलब इसको देखते आई लव यू की जगह उई माँ, इतना डरावना यही निकलेगा। अब जितने भी लौंडे ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो एक लाइन उन्होंने अपनी जिंदगी में जरूर सुनी होगी, जब भी बाल लंबे होते हैं ये क्या बालों में चिड़िया का घोंसला उगा रखा है। अब इस लाइन को ना इन मोहतरमा ने थोड़ा सा ज्यादा ही सीरियसली ले लिया।
सचमुच में बालों में चिड़िया का घोंसला बना रखा है जिसमें चिड़िया भी है, उसके अंडे भी दिख रहे हैं। और यार ये किस लेवल की क्रिएटिविटी है। इसके बाद आते हैं ये लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज बारिश हो रही है, धूप पड़ रही है, सुनामी आ रही है, बर्फ पड़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। इनके बाल ही इतने बड़े होते हैं, वो कहां कहां तक जा रहे होते हैं, किसकी नाक में घुस रहे होते हैं, किसके कान में गुदगुदी कर रहे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, कुछ ही नहीं पता चलता। क्योंकि भाई ना इनको कुछ सुनाई दे रहा ना दिखाई दे रहा है, सब जगह तो सिर्फ बाल ही बाल है। और फिर है ये, इनको पाइनएप्पल से इतना प्यार है कि अपने सर पर ही पाइनएप्पल उगा रहे हैं। मतलब ठीक है यार, पाइनएप्पल फ्रूट मुझे भी बहुत पसंद है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना अपने बाल को पाइनएप्पल बना लो। अरे इसके बाद है ये टिकटॉक म्यूजिकली के सुपरस्टार। कभी कभार तो मैं सोचता हूँ कि इनको अपने बाल ऐसे सीधे खड़े करने में कितने दिन लगते होंगे, मतलब कितना किलो जेल थोपना पड़ता होगा तब जाके बाल ऐसे सीधे ताड़ के झाड़ की तरह एकदम खड़े हुए और हिलते भी नहीं है। मतलब आंधी सुनामी आ जाए ना, एक पत्ता नहीं, आई मीन एक बाल नहीं हिलेगा इनका। Look at the top of his head. और फिर इसे देखो बालों पे चेन। अरे यार मतलब क्या क्या बचाना चाहता है तू, क्या लॉक करेगा अपने सर पे, बुद्धि तो है नहीं तेरे अंदर, ऐसा हेयर स्टाइल तूने रखा है तो ये तो गारंटीड है कि दिमाग तो अंदर नहीं होने वाला। तो चेन लगा के किस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो भाई? ये वो हैरी पॉटर में उड़ने वाला झाड़ू होता था, ये इसने अपने बालों का बना रखा है वो। यहाँ तो मैं सोचने की कोशिश भी नहीं करूंगा ये क्या है। ये क्या है यार, इन सब लोगों के इतने कमाल कमाल के हेयर स्टाइल देखने के बाद एक बात की तो गारंटी है, इन सबको एक बहुत खतरनाक बीमारी है, बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्ज कर। एनीवेज फनीएस्ट हेयर स्टाइल्स में आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। सो दोस्तों यार ये थी वीडियो, कुछ मुझे सीरियसली बहुत क्रिएटिव लगे, मुझे लगा वाओ यार हाउ कैन दे डू दैट एंड हाउ कैन दे कैरी देयर हेयर स्टाइल्स, यू नो वो लंबे बाल वाला वो मतलब एनिमल्स वाला, मतलब कुछ करते हैं ऐसे, मतलब शो के लिए होता है यार, कैरी थोड़ी करते हैं हमेशा उसको। मैं देख रही हूँ मेरे को मेरा हेयर स्टाइल दिख रहा था, किसी दिन किसी वीडियो में पक्का आएगा कि मैं कितना फनीएस्ट हेयर स्टाइल में मेरा इंक्लूडेड होगा। मारू मारू हिंसा हिंसा नहीं करनी चाहिए हमें। क्या ये यार, ये क्या ये हेयर स्टाइल था तुम्हें? वीडियो अच्छा वीडियो समझ गई, मैं बताता तुम्हें दोबारा। वीडियो देखिए, मुझे वीडियो समझ आ गई, तुम अपने दिमाग को समझो। तो मतलब वीडियो में जो हेयर स्टाइल से मतलब मुझे लगाया कुछ बहुत ही ज्यादा फनी थे, बहुत ज्यादा फनी थे। मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। अब शुरू जाओ। आई थिंक लॉकडाउन की वजह से ना वीर का दिमाग लॉक हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। प्लीज गाइस आप कमेंट सेक्शन में ना वीर को बहुत अच्छे से सुनाना सुनाना भाई, लव यू, वी लव्स योर स्टाइल, वी लव्स योर बैंगनपंती, वी लव्स योर ईच एंड एवरीथिंग, वी ऑलवेज टुगेदर विद यू। Is it fine? इतना ही काफी रहेगा मेरे लिए, मैं इतने में मान जाता हूँ। अगर आपको अगर ऐसे कोई फनी रिएक्ट मतलब फनी या फिर कुछ ऐसा मतलब करने का एक और वीडियो है ये पागलबंदी करने में नंबर वन है, और आई गेस आप इसके साथ अगर कोरिलेट होना चाहते हो तो मुझे बख्श दो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करना। तो अगर आपको वीडियो को मुझे माफ करना ओ साईं, तुम इतनी मतलब इतनी गालियां सुनने वाले हो तुम कमेंट सेक्शन में, कोई नहीं सुनाता मुझे, मैं बचपन से ऐसा हूँ, बंदा आउट ऑफ जोन जाकर हमेशा कुछ ना कुछ करना ही करना। तीसरी बार बोल रही है एक ही बात, मैंने अब तक एक बार भी दोबारा कुछ बात नहीं बोली। तीसरी बार बेवकूफी कर रहे हो, तो बेवकूफी तो मेरे घर जन्म से अधिकार है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार, मैं 10 मिनट कर रहा हूँ तभी तो दो वीडियो दो एड्स लगेंगी। हो गए क्या 10 मिनट? पता नहीं है, चलो हो गया होगा तो पता नहीं है यार, करते रहने चाहिए। देखो यार दो एड्स अभी तो लग पाएंगे, तभी तो कुछ आएगा, बाकी हमें सपोर्ट करो। अरे रुको, हमें डोनेट करो, डोनेशन चाहिए यार, हमें भी डोनेशन दो। हमें कोई डोनेशन नहीं चाहिए, क्या क्या मजे लो, क्या हो गया जीवन, जो जीवन काल है ये क्षणिक है। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ, ये जीवन काल क्षणिक है, इसमें आपको नहीं पता कब क्या हो जाए, क्या पता छत ऊपर से नीचे गिर जाए और कब हम यहाँ के यहीं रह जाए। तो दोस्तों यार अपना जीवन में उत्साह का पालन करते रहिए, और आप चाहते हैं कि एक और ऐसे ही मैं चैनल बनाऊं जिसमें ये बकवास करूं तो बताइएगा, मेरा दिल है ऐसा कुछ करने का। सो दोस्तों यार आपको वीडियो कैसे लगे, इंसान का मुंह तोड़ने का। सो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगे बताइएगा, बाबा किंग ऑफ विच यू, सीधी बैठो, क्यों बैठू मैं, धीरे से तुम्हारी बकवास चल रही है। ठीक है अभी वेडी है ना,
अच्छा चलो ठीक है। तो गाइस आपको कैसे लगा, अगर आपको ऐसे फनी रिएक्शन सॉरी फनी हेयर स्टाइल देखने और अभी कैसी फनी बकवास सुनी है, फनी बकवास हाँ तुम हंसी तो थी नहीं क्योंकि मुझे ना तुम्हारी बकवास की आदत होती है, शायद उनके लिए फनी हो। अच्छा शायद भाई शायद अगर आपके लिए फनी है तो बताइएगा। सो दोस्तों आपको वीडियो किसी बताइए बाद बाकी इफ यू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट आल्सो इंक्लूडिंग योर सजेशन और इस वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा। नहीं नहीं कीजिए कीजिए मैं नहीं, ये बंदा ऐसे हरकत करने से बात नहीं, अगर आपको ये चाहिए तो प्लीज करते रहो। लक्ष्य भाई तू तो करेगा यार पढ़ाई अपना एक भाई तो थर्ड वीडियो जहां लक्ष्य के नाम ले रहे हैं भाई वेयर हर एक अब मत वैसे तो एक भाई हो रहा है यार रवि करके यार हर एक वीडियो में लव यू मन लिखता है भाई साहब पहले पहला उसका कमेंट होता है मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। सो दोस्त यार रोहित रोहित है रोहित एक सेकंड मैं बोलना चाहूंगी ये वीडियो थी फनी है सर मैं वीडियो के बारे में कुछ बात नहीं हुई यार जितनी बकवास हो सकती थी सब मैंने फनी है सर लिखा है ना। सो दोस्तों टिल देन माय बाय टेक केयर साइनिंग आउट।